हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहसिना अख्तर खान। अच्छा, आपके बच्चे को क्या तकलीफ है? मेरे बच्चे को पेशाबी में खून आता था, गाटा गिरते थे, बहुत क्या तकलीफ क्या तकलीफ थी? मतलब कहाँ का, क्या क्या मसला था उसको? काई थी। पेशाब की थैली में गांठ हो गई हुई थी, कैंसर की? की गांठ। कैंसर की गांठ हो गई थी, तो उसका क्या इलाज किए? कितनी ऑपरेशन करे, बड़ी गांठ निकली ऑपरेशन करने के बाद? ऑपरेशन करने के बाद तो बड़ी गांठ निकली, पर हाँ, उन्होंने 5% ऐसा छोड़ दिए थे, बोले काफी कि बड़ी गांठ निकली, लेकिन 5% छोड़ दिए थे। क्यों हाँ छोड़े? अच्छा, पेशाब की थैली निकालने का बोल रहे थे। पेशाब, यानी अगर वो 5% भी निकालना पड़ता तो थैली के साथ निकलती वो, हाँ तो इसके लिए आपने वो नहीं निकाले, नहीं निकाला, 5% गांठ छोड़ दिए। ये कब की बात है? ये अभी ईद के दूसरे दिन एक साल के, हो गया, 1 साल हो सात गया। आठ 10 महीने हो गए, दस हाँ महीने हो गए तो उसके बाद फिर क्या क्या हुआ? फिर उसके बाद ऐसे ही छोड़ दिए थे, फिर मस्तान डॉक्टर के पास आए, नहीं, वो मेरे पास, तो आप समझो एक महीना पहले आए, एक तो महीना पहले जब मेरे पास आए तो काई के लिए आए थे, क्या तकलीफ थी उसको? वो उमरा को गया था, पर उसको बहुत ज्यादा पेशाब की तकलीफ हो गई, इतनी खून की पेशाब हो गई, उसके आंग में खून नहीं था, खून कितना बच गया था आंग में उसके? 3 पॉइंट भी खून नहीं था। 3 बज गया था, तो उमरा से उसको वापस आना पड़ा ना। हाँ अच्छा, फिर मेरे पास आए डॉक्टर मस्तान के पास। हाँ हाँ, किसी ने आपको बताया कि डॉक्टर मस्तान के पास जाओ? फिर उसके बाद? उनने ट्रीटमेंट करे तो अभी एक मतलब कम हुई गाट, एक महीना का, 1 महीना हो गया ना, एक तो महीने तकलीफ क्या, कब तकलीफ में क्या फर्क पड़ा? तकलीफ में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फर्क आया, मेरे बच्चे को अभी इसी पेशाब नहीं हो रही, खून की और पेशाब भी नहीं हो रही और उसकी ना तबीयत में भी फर्क आ गया। फर्क आ गया। तो दोस्तों, ये आपा है, इनका इनका बेटा है 19 साल का, उसको सीए यूरिनरी ब्लैडर था और उसकी गांठ जो है वो निकाल चुके थे, लेकिन थोड़ी बाकी थी, तो अभी 4.6.5 समथिंग बाकी थी, लेकिन अभी अपने ट्रीटमेंट में वो अभी सोनोग्राफी किया उन्होंने 1 महीने के बाद, तो गांठ के में भी सेंटीमीटर में काफ़ी फ़र्क आया है और बच्चे को कोई तकलीफ नहीं है। सही बोल रहा हूँ ना? जी हाँ, अभी वो अभी अच्छी तरह है, जिस दिन लाए थे उस दिन उसका यूरिन भी बंद था, तो अपने ट्रीटमेंट में उसका इमीडिएट यूरिन भी शुरू हो गया था, तो 1 महीने में सीए यूरिनरी ब्लैडर में गांठ में भी फ़र्क आया है और बच्चे की तबीयत में भी काफ़ी फ़र्क आया है। तो यूनानी मेडिसिन से सीए यूरिनरी ब्लैडर का बहुत अच्छे तरीके से इलाज हो सकता है। कई एक पेशेंट हमारे पास है ब्लैडर कैंसर के, अलहमदिल्ला वो कवर हो चुके हैं। ये भी एक पेशेंट है, इनका बेटा है वो, तो अलहमदिल्ला काफ़ी कवर हो चुका है। ठीक बोल रहा हूँ मैं? जी ठीक, थैंक यू वेरी मच इंटरव्यू देने के लिए, थैंक यू। जी।